गोरखपुर में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,013 पहुंच गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 72 वर्षीय पुरुष व एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इनमें 20,412 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 343 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 258 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कैंट, गोरखनाथ और कोतवाली थाना क्षेत्र में 3-3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 4 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर और खोराबार में 1-1 और चरगावा में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।